प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य के युद्ध दर्पण में अगला भाग। ठीक है, विदेश नीति अर्थात कौटिल्य की विदेश नीति या कौटिल्य ने किस प्रकार विदेश नीति का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक, चलिए, कौटिल्य की विदेश नीति को खड़गुण नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य ने 6 प्रकार की विदेश नीतियों का वर्णन किया है अर्थात एक राजा के कार्यों को राजा के स्वभाव के अनुरूप कार्यों का वर्णन इन्होंने विदेश नीति के अंतर्गत किया है। ठीक, पहला है संधि अर्थात अगर कोई राजा कमजोर हो तो पड़ोसी राजा से संधि के द्वारा अपने राज्य की रक्षा करे। ठीक, अर्थात एक कमजोर राजा पड़ोसी राज्य से संधि के द्वारा अपने राज्य की रक्षा करे। दूसरा है विग्रह अर्थात इसमें जो है एक राजा अगर चाहता है कि हम शत्रु को कमजोर करें, एक शत्रु राज्य को कमजोर करने के लिए उसके अधिकारियों को तोड़ना, लालच देकर अपनी ओर मिलाना, उसके मित्रों को उससे अलग कर देना, दंगा फसाद विद्रोह ये सब करवा देना, ये सब विग्रह की नीति में आता है। अर्थात पहले में राज्य संधि के द्वारा पड़ो राज्य अपने राज्य की रक्षा करे एक कमजोर राजा, विग्रह के द्वारा शत्रु राज्य को कमजोर करने के निम्न तरीकों को अपनाए। ठीक है, तीसरा है आसन। आसन का मतलब होता है उदासीनता की नीति अर्थात एक राजा अगर शक्तिशाली हो उसे किसी से कोई डर ना हो, क्षेत्र विस्तार की भी इच्छा ना हो और किसी राज्य को जीतने की भी इच्छा ना हो तो आसन अर्थात उदासीनता की नीति अपना सकता है। अर्थात अगर राज्य शक्तिशाली हो, कोई डर ना हो और इच्छाएं भी ना हो, राज्य को बढ़ाने की इच्छा ना हो, साम्राज्य विस्तार की भी इच्छा ना हो, ठीक, तो उदासीनता की नीति अपना सकता है अर्थात ना किसी से मतलब कुछ भी नहीं। चौथा है यान। यान का मतलब होता है आक्रामक। यदि वही राजा शक्तिशाली हो, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा हो और साथ में क्षेत्र विस्तार की भी इच्छा हो अर्थात अपने साम्राज्य को विस्तार करने की इच्छा हो, साम्राज्य को बढ़ाना चाहता हो तो उसे जो है यान अर्थात आक्रामक नीति को अपनाना चाहिए अर्थात अपने पड़ोसियों पर आक्रमण के द्वारा उनके राज्यों पर अधिकार करते हुए वो अपने राज्य को बढ़ाए। लेकिन ये किसके लिए है? अगर कोई राजा शक्तिशाली हो तभी, कमजोर राज्य के लिए नहीं। ठीक, पांचवा नंबर है संशय। संशय का मतलब होता है आत्मरक्षा के लिए कोई राजा अन्य राजाओं से संधि करे अर्थात कोई राजा को अगर किसी अन्य राज्य से खतरा हो तो अपनी रक्षा के लिए एक राजा उस राजा को चाहिए कि किसी अन्य राज्य से संधि कर ले, लेकिन ध्यान रहे कि जिससे संधि करे वह शत्रु राज्य के मुकाबले शक्तिशाली होना चाहिए, या तो अगर शत्रु राज्य से शक्तिशाली ज्यादा ना हो तो कम से कम बराबर हो। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए राजा अन्य राजा से संधि करे परंतु ध्यान रहे जिस राज्य से संधि करे वह शत्रु राज्य से शक्तिशाली हो या कम से कम उसके बराबर हो। ठीक, ऐसा संशय की नीति अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में इस नीति का पालन किया था हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब उन्हें संभावना थी कि पाकिस्तान से युद्ध के समय अमेरिका भी युद्ध में कूद सकता है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोवियत संघ के साथ दोस्ती करके इस नीति का पालन उन्होंने किया था। ठीक, छठवां नंबर है द्वैधी भाव। यदि किसी राजा की विजय की इच्छा हो परंतु उसके कई शत्रु हों तो एक साथ सब पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इन्हें कौन सी नीति अपनाना चाहिए? एक से संधि और दूसरे पर आक्रमण की नीति अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए अर्थात पहले एक राज्य से संधि करे फिर दूसरे पर आक्रमण करे, ठीक, फिर तीसरे पर आक्रमण करे अर्थात जहां जरूरत पड़ जाए संधियों को भी साथ में रखे और आक्रामक स्थिति को भी बनाकर रखे और अंत में जिनके साथ संधि हो रही हो या जो मित्र राज्य संधि के द्वारा हो गए हों उनसे भी संधियों को तोड़ते हुए उन पर भी आक्रमण करके उन पर भी अधिकार कर लेना चाहिए। ठीक, यह है द्वैधी भाव। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं विदेश नीति को कार्यान्वित करने के तरीके। विदेश नीति को कार्यान्वित करने के जो कौटिल्य ने तरीके बताए हैं वो है 4 तरीके। ठीक, 4 तरीके में साम दाम भेद दंड सब लोग जानते हैं, इसको कोई नई चीज नहीं है। साम दाम भेद दंड सब लोग जानते हैं, लगभग कोई नई चीज नहीं है इसमें।
फार्म का मतलब होता है समझाना बुझाना, अर्थात विदेश नीति को कार्यान्वित करने के तरीके में है, हमें अपने पड़ोसियों से किस तरह काम निकालना चाहिए, ठीक, पड़ोसियों से किस तरह अपनी बातें मनवाया जाए। तो पहला नंबर समझा बुझा कर अपना कार्य सिद्ध कर लिया जाए, अर्थात समझाने बुझाने के बाद अपनी बात मनवा लिया जाए, ठीक। अगर समझाने बुझाने से नहीं मानता है तो दूसरी नीति अपनाया जाए, दाम की नीति। दाम का मतलब होता है मूल्य, कीमत, ठीक, कीमत देकर, लालच या प्रलोभन देकर अपना कार्य सिद्ध करना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसके हित ज़्यादा उसमें खतरनाक हैं, हित उसके ज़्यादा जरूरी हैं, तो दाम की नीति भी असफल हो सकती है, ठीक। यानी समझाने बुझाने से ना माने तो दाम की नीति अपनाइए, और दाम लेकर कीमत लेकर भी ना माने तो तीसरा जो तरीका अपनाया जाता है होता है भेद की नीति। भूत की नीति होता है कि शत्रु राज्य को कमजोर करके या उस पर दबाव डालकर किसी न किसी प्रकार उसको बात को अपनी मनवाया जाए, अपनी नीतियों को कार्यान्वित कराया जाए, अर्थात शत्रु राज्य में तोड़फोड़ कराना, अराजकता, दंगा, विद्रोह फैलाना, कमजोर करने की कार्यवाही द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना, अर्थात शत्रु राज्य में बिल्कुल अव्यवस्था पैदा कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग भेद नीति। एक प्रकार से कमजोर करने की नीति, विग्रह वाली सारी व्यवस्था अपनाई जाती है, ठीक। मान लीजिए भेद नीति भी अगर जो है सफल नहीं होती तो जो अंतिम विकल्प होता है आप जानते ही हैं, सब लोग मिलिट्री साइंस के हर स्टूडेंट जानता होगा कि अंतिम विकल्प क्या होता है, दंड। दंड का मतलब युद्ध, ठीक। तो अंतिम में क्या नीति अपनाया जाता है, दंड नीति। अंतिम विकल्प होता है जब सभी उपरोक्त प्रयास असफल हो जाए तो बिल्कुल आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लीजिए, या जबरन आक्रमण करके उसको जो है अधिकार करके तब उससे अपनी बात मनवाइए, ठीक। जरूरत पड़े तो सत्ता को बदल दीजिए, दूसरे को राजा बना दीजिए ताकि वो हमारी बात माने, जो हमारी बात माने उसको राजा बना दीजिए, ठीक है मित्रों। चलिए ये हो गया दंड नीति। आगे हम लोग देखते हैं राज्य राज्य संबंध। यह बहुत ही प्रसिद्ध नीति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कौटिल्य का राज्य राज्य के साथ संबंधों को मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक। राज्य राज्य संबंध कौटिल्य, या इसे भी एक प्रकार से विदेश संबंध ही कह सकते हैं, नीति तो नहीं कि लेकिन विदेश संबंध हम जरूर कह सकते हैं। इन्होंने भौगोलिक आधार पर एक राजा को पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह संबंध हो सकते हैं इसका वर्णन इन्होंने मंडल सिद्धांत में किया है। इन्होंने अपने मंडल सिद्धांत के अंतर 12 राज्यों को शामिल किया है, ठीक, और जिसमें केंद्र में रखा है इन्होंने बिजीगूस, एक ऐसा राजा जो कि विजय की इच्छा रखता है, अर्थात एक ऐसे राजा को इन्होंने, चाहे अपना साम्राज्य ले लीजिए, चाहे एक ऐसे राजा को ले लीजिए जिसकी विजय की इच्छा बराबर बनी हुई है, साम्राज्यवाद, साम्राज्य विस्तार की इच्छा बनी हुई है, उसके अन्य 11 राजाओं के साथ किस प्रकार संबंध हो सकते हैं, या 11 राज्य उससे किस प्रकार संबंधित हो सकते हैं। पहला नंबर बिजीगूस, एक विजय की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी राजा। बाकी हम इसको हम आपको नीचे हम चित्र में भी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आपको इसको हम देख लेते हैं। इसमें कौटिल्य ने ये चीजें दिखाने का प्रयास किया है कि जिन राज्यों के साथ सीमाएं मिलती हैं वो दोनों राज्य कभी एक दूसरे के मित्र नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि अगर एक राज्य को अपनी सीमाओं का विस्तार करना है तो पहले पड़ोसी राज्य ही उसके सामने आएंगे। इसलिए वही है कि पड़ोसी राजा का कभी मित्र नहीं हो सकता, नहीं होता है, ठीक। अब इसमें देख सकते हैं, पहला नंबर बिजीगूस, एक विजय की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी राजा। दूसरा नंबर है आरि, आरि माने होता है शत्रु, बिजीगूस के अग्रभाग का शत्रु राज्य जिसे आरि की संज्ञा दी गई है। तीसरा नंबर है मित्र, भाई बिजीगूस के अग्रभाग का मित्र राज्य, अच्छा अर्थात आरि से लगा हुआ जो अरि का अरि होगा वो बिजीगूस का मित्र होगा। इसमें यह भी कहा है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, पड़ोसी राज्य कभी मित्र नहीं हो सकता या मित्र नहीं होता। अब पड़ोसी राज्य जिनके दोनों के हो जाए, जो हमारे पड़ोसी का शत्रु है वो हमारा मित्र, ठीक ठीक। चौथे नंबर पर इन्होंने रखा है अरिमित्र, अर्थात बिजीगूस के अग्रभाग के शत्रु का मित्र राज्य। पांचवें नंबर पर है मित्र मित्र, अर्थात बिजीगूस के अग्रभाग के मित्र का मित्र राज्य। छठवें नंबर पर है अरिमित्र मित्र, बिजीगूस के अग्रभाग के शत्रु के मित्र का मित्र राज्य।
सातवें नंबर पर है पार्फिण ग्राह, पार्फिण ग्राह, पार्फिण ग्राह का मतलब, पार्फिण ग्राह का मतलब बिजगीव के पृष्ठ भाग के का फत्रु राष्ट्र, पृष्ठ भाग का फत्रु राष्ट्र। आठवां नंबर है आक्रंद, बिजगीव के पृष्ठ भाग का मित्र राज्य, पार्फिण ग्राह फार बिजगीव के पृष्ठ भाग के फत्र का मित्र राज्य। दसवां नंबर है आक्रंद फार बिजगीव के पृष्ठ भाग के मित्र का मित्र राज्य। ग्यारह नंबर है मध्यम, मध्यम कौन होता है, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में एक छोटा सा राज्य जो कि दोनों ही राज्यों के साथ अपना अच्छा संबंध बना के रखता है, इसे बफर स्टेट भी कहा जा सकता है या अंतस्थ राज्य कह सकते हैं। जैसे भूटान, तिब्बत, नेपाल, ये तीनों ही राष्ट्र भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट की भूमिका निभाते हैं। तो ये एक प्रकार से मध्यम जो है दो शक्तिशाली राज्यों के बीच का एक छोटा सा राज्य होगा जिसे कहते हैं मध्यम, ठीक, और दोनों शक्तिशाली राज्यों को युद्ध से ये बचाते हैं। बारह नंबर अंतिम है उदासीन, एक ऐसा शक्तिशाली राज्य जिसे किसी से कोई डर नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, अर्थात वह राजा जो आसन की नीति अपनाता है उसे हम लोग उदासीन भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कौटिल्य ने जिन राज्यों का वर्णन किया है बारह प्रकार के, वो इस प्रकार राज्यों के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये है मित्रों एक नंबर पे हो गया बिजगीफ, दो नंबर पर हो गया पड़ोसी फत्रु राज्य, तीसरे नंबर पर फत्रु का फत्रु अर्थात मित्र, चौथे नंबर पर, कहने का मतलब एक राज्य को इन्होंने इसी तरह दिखाया है, हमने इसमें गिनती बना दी है। अब दूसरा जो है ये दूसरा राज्य जो है ये भी इसमें छुपा हुआ, इसमें टच करते हुए ही होना चाहिए, लेकिन जो है ये अगले पेज में आ गया है इसलिए ये ऐसा हो गया। फिलहाल जब आप लोग कभी इसको चित्र में बनाएंगे तो ये छः राज्य इस तरह बनाएंगे, आप देख सकते हैं चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है। पांच ये छठवां राज्य बच्चों बगल में है, ये अभी मिटा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और अंतिम में बारह नंबर इस तरह आपको बनाना है, ये है बारह नंबर, ठीक। चलिए तो ये हो गए कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, ठीक, थोड़ा सा हार्ड जरूर है लेकिन आप लोग थोड़ा मन लगाएंगे तो समझ में आ गया। इसमें जो प्रमुख सिद्धांत है वही है, आप देख सकते हैं कि जिन राज्यों की सीमाएं मिली जुली होती है एक दूसरे का मित्र नहीं हो सकते। अगर बिजगीफ है तो ये पहले नंबर आगे वाला शत्रु ये है और पीछे वाला शत्रु ये है, और ये दूसरे नंबर के शत्रु का शत्रु ये है तो ये बिजगीफ का मित्र हो जाएगा, ठीक है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु होता है, जिनके राज्यों की सीमाएं मिलती हैं वो शत्रु और शत्रु का शत्रु मित्र, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं राज्य के तत्व, इसमें राज्य के तत्व में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, राज्य के सात प्रमुख तत्व होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। राज्य के प्रमुख तत्वों में पहला नंबर है राजा, राजा को जो है इन्होंने राज्य का सिर कहा है, अर्थात राजा को कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, दूरदर्शी, युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। दूसरा जो तत्व है वो है अमात्य या मंत्री कहा जाता है, मंत्री को राज्य के आंख की संज्ञा दी जाती है। मंत्री उच्च कुल का होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, योग्य स्वामी भक्त होना चाहिए। तीसरा नंबर है जनपद, जनपद का मतलब होता है क्षेत्र विस्तार, जमीन, कितना बड़ा राज्य है कहते हैं जनपद, जनपद को राज्य की जांघ कहा जाता है। क्षेत्र विस्तार इसी श्रेणी में आता है, उपजाऊ भूमि, संसाधन युक्त भूमि, प्रजा एवं जनसंख्या, ये सब जनपद में आ जाते हैं। चौथा नंबर है दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला, किला खास करके सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, और मनुष्य को जो सुरक्षा करती है वो होती है भुजाएं, तो इसे जो है दुर्ग को राज्य की भुजाएं कहा जाता है, जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भुजाओं पर, भुजाओं जैसे शरीर के सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भुजाओं पर होती है, वैसे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दुर्गों पर होती है। पांचवा नंबर है कोफ, कोफ का मतलब होता है खजाना, इसे राज्य का मुख कहा जाता है, भाई हम लोग जो कुछ भी खाते हैं अंदर ले जाते हैं उसी से हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है, इसी तरह राज्य के अंदर जितना खजाना मजबूत होगा राज्य उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा, तो कोफ को राज्य का मुख कहा जाता है। और ये अंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है,
राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि धन के द्वारा ही संपूर्ण राज्य को विकसित बनाया जाता है। जैसे भोजन और पौष्टिक आहार हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, उसी तरह धन राज्य को मजबूत बनाता है, जो शक्ति का प्रमुख अंग होता है। इसीलिए राजकोष को सदा धन से भरा होना चाहिए। छठवां नंबर है दंड। दंड का मतलब होता है, दंड को कहा जाता है मस्तिष्क, या जिसे कहते हैं बल, बल या सेना। सेना का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना। भाई दिमाग से लोग राज्य की रक्षा करते हैं, अशक्ति नहीं है तो दिमाग भी कार्य नहीं करता, इसीलिए दंड को राज्य का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला नंबर है सातवां नंबर और अंतिम नंबर है मित्र। मित्र को राज्य का कान कहा जाता है, जो युद्ध एवं शांति काल में राजा की सहायता करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मित्र लोभी एवं कायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभी और कायर मित्र जो है शक्तिशाली शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता है मित्रों ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। ये है कौटिल्य के युद्ध दर्पण का अंतिम भाग। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करेंगे, जरूर करिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए प्रसन्न रहिए।